अरे स्टूडेंट्स, ये पैरा वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को जानबूझ के हमने दिया है वीडियो पे, इसलिए कि जेई वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरली स्टूडेंट इसको अवॉइड कर देता है, छोड़ भी देता है इस टाइप के पैरा वाला का। लेटर सेक्टर निकालना, डायरेक्टर्स निकालना, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें निकालना, तो इसको मतलब एक तरह से हम इसको ट्रेस करके बता रहे हैं कि कैसे इसमें लेटर सेक्टर वगैरह निकाला जाता है। टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमने ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया है कि कैसे इसको हम ज्योमेट्री के से यूज करते हैं। y square is equal to 4ax, अगर ये लिखा है y square is equal to 4ax, तो y का मतलब हो गया ये डिस्टेंस pm हो गया, और 4a का मतलब कुछ मान लिया as, और x का मतलब हो गया p से n। कहने का मतलब ये है कि pm और pn आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं। परपेंडिकुलर क्या बोला? डिस्टेंस। अब आगे समझिएगा, इसको हमने लिखा x माइनस 4y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51y। अब यहां पर हमने जितना ऐड किया है उतना ही राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दें, तो ऐड क्या किया है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x माइनस 4y, ये हो गया। अब x माइनस 4y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x कितना है, 2 लैम्डा x, और प्लस y कॉमन ले लें तो ये आ गया 51 माइनस 8 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में रखना है। तो इसका स्लोप कितना है 1/4, और इस लाइन का स्लोप कितना है माइनस टाइम्स 2 लैम्डा अपॉन में 51 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 हो गया तो ये आ जाएगा 102 माइनस 16 लैम्डा, तो 17 लैम्डा इज इक्वल टू 102, से इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ गया। पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट कर दे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया x माइनस 4y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, पुट करेंगे तो ये आ गया 12x, और 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 3y और प्लस 36। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये x माइनस 4y है तो यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर, कहने का मतलब 4x प्लस y ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लें, कितना 3 को बाहर निकाल लें, तो ये आ गया 4x प्लस y प्लस 12, और ये हो गया x माइनस 4y प्लस 6 का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला कि pm और pn ये आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला बनाना होगा, ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा x minus 4y plus 6 upon root 17 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 17 से डिवाइड किया है तो यहां पर लिख दिया 3 upon root 17, और ये हो गया 4x plus y plus 12 upon root 17। अब इसको अगर हम देखें तो ये हो गया y square is equal to 4a times x, ये आ गया। इसका मतलब lattice rectum की जगह पर, lattice rectum की जगह पर कितना लिखा हुआ है, lattice rectum is equal to कितना है 3 upon root 17। तो ये बस एक information के लिए कि हाँ ऐसा भी आपको पता हो जाना चाहिए। तो 3 upon root 17 आंसर हो गया, C आंसर करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू। We'll be right back.